देखो आज हम क्या करेंगे, क्लास सेवन्थ किसका क्लास सेवन्थ मैथ 6.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन हैं, तो छः भी, ठीक है, लेकिन हम पांच कर देंगे, एक तुम खुद कर लेना। इसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी छः क्वेश्चन हैं लेकिन हम पांच कर देंगे, एक तुम खुद कर लेना, ठीक है। अभी नहीं, हम सॉल्व करेंगे किसको, 6.2 को। तो देखो बढ़िया तरीके से करेंगे। जैसे ये वाला सवाल है, तो देखो हमें क्या है, ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है और ये एच निकलवाया है। तो सबसे पहली चीज, जब तुम्हें ये दोनों दिए हैं और ये निकलवाए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, ये वाला निकल के आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, एक्स निकालना है, तो एक्स बराबर ये 50 है, ठीक है, ये 50 और ये कितना है प्लस 70, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बराबर 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, कितने 120। तो ध्यान रख लेना, ये वाला जो एक्स निकल के आ गया, ये हमारा कितना आ गया 120, ठीक है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 120 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हमें ऐसे निकालना है, जब ये एक्स निकालना है, देखो 65 दिया, 45 दिया, ये वाला भी दिया, ये वाला भी दिया, ये निकालना है। तो ध्यान रखना 65 और 45 को जोड़ दो, तो ये वाला एक्स निकल के आ जाएगा। देखो एक्स बराबर 65 प्लस ये कितने हैं 45, अरे 65 क्यों लिख रहा हूँ मैं, आज क्या हो गया 45। अब इन दोनों को जोड़ दो, एक्स बराबर 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 5 और 5 10 हो गए, 6 4 10 और 1 11। तो देखो x बराबर ये वाला x और ये वाला x, कहने का मतलब है यहाँ पे लिख दो 110, ये वाला हमारा कितना निकल के आ गया 110। ऐसे ही ये वाला निकाल लो, देखो ये x है ना, तो लिखो x बराबर ये कितने हैं 40, ये कितने हैं 30, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, x बराबर 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। तो x बराबर हमारा 70 निकल के आ गया, यहाँ पे लिख दो अब 70, ठीक है। अब हमारा ये वाला निकालना है, तो x बराबर 60 ये वाला प्लस 60 ये वाला जोड़ के रख दो, x बराबर 6 6 12 120, ठीक है, x हमारा कितना हो जाएगा 120 ये वाला, यहाँ पे भी आ जाओ। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, इन दोनों को जोड़ दो x, और ये तुम पे निकलवाया होगा x, x बराबर 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा x बराबर 100। जब ये 100 हो गया x बराबर, तो यहाँ पे बाबू कितना लिखना है, यहाँ पे लिख दो तुम 100 डिग्री, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होते हैं, हमने 5 कर दिए, एक बचा है तो तुम कर लेना। अब इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, देखो सॉल्व। अब देखो इसमें क्या कर दिया इसने, ये बार वाला भी निकलवा रहा था, यहाँ पे देखो बार वाला निकलवा रहा था सब में, लेकिन इसमें बार वाला इसने दे दिया है और अंदर वाला निकलवा रहा है। देखो इसमें अब देखो बार वाला दे दिया इसने, देखो बार वाला दिया है, बार वाला दिया है, अब इसने अंदर वाला देखो निकलवाया, यहाँ पे एक्स निकलवाया और देखो यहाँ पे एक्स निकलवाया, ये अंदर वाले एंगल निकलवा रहा है इस वाले में। तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ध्यान रखना कि ये 115 है ना, इस 115 में से 50 माइनस कर दोगे तो ये वाला एक्स निकल के आ जाएगा, ये 100 में से अगर 70 माइनस कर दोगे तो ये वाला एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये 125 है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, कौन सा 90 डिग्री का। देखो हम सॉल्व करते हैं एक एक करके, पहले इसे करते हैं हम, देखो ये वाला क्वेश्चन करो, 115 है ना, तो लिखो एक्स, ये वाला एक्स बराबर 115 ये वाले माइनस कितने लिखने हैं 50, ठीक है। तो x बराबर 5 में से 5, ठीक है, अब यहाँ पे ये 11 है, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेंगे 6, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया 65। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये तुम्हारा आंसर कितना होगा 65, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा 65। अब इसे देख लो कि देखो अब ये 100 है ना, तो लिखो x बराबर 100 माइनस तुम्हें कितने करने हैं 70, तो कर दो x बराबर 100 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 30, तो x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो x निकलवा रहा है ना, तो देखो तुम क्या करोगे, अब ये वाली x देखो, पहले x बराबर 125 माइनस ये कितने करने हैं 90, तो नीचे देखो x बराबर 5 में से 0 5, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, अगर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, तो कितना आ गया 125 में से 90 जाएगा तो 35 बचा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो 35 ये वाला, ठीक। ऐसे ही हमें ये वाला करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैथ को इतना आसान बना देंगे तो हमें मजा आने लगे। देखो ये 120 है, ये 120, तो तुम क्या करो, ये x बराबर 120 और ये कितने हैं 60 माइनस 60, फिर क्या करोगे x बराबर, अब देखो 0 में से 0, अब 12 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, तो देखो x बराबर कितना आ गया 60,
एक्स बराबर कितना 60, तो इस वाली एक्स की जगह पे कितना लिख दो 60 इस वाले के, और ऐसे ये वाला निकाल लो देखो बढ़िया तरीके से, एक्स एक्स बराबर ये कितना 80 माइनस कितना 30, तो एक्स बराबर 80 में से 30 जाएगा या 50 बचेगा, तो ध्यान रखना ये वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। हमने क्या किया देखो, सबसे पहली चीज 6.2 क्लियर हो गई हमारी, ठीक है, किसकी 7th क्लास की मैथ, ठीक। अब हम क्या करेंगे 6.3 करेंगे आगे, ठीक है, ये तो क्लियर होगी हमारी।